आधार के नियमों में हुए बदलाव, जानिए पूरी खबर। आज के समय में आधार कार्ड बेहद जरूरी दस्तावेज बन गया है। बैंक अकाउंट से लेकर पैन कार्ड तक इससे लिंक करवाना जरूरी हो गया है। कोई भी सरकारी योजना का लाभ आप बिना आधार कार्ड के नहीं उठा सकते। आधार कार्ड नवजात बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक का बनवाया जा सकता है। हॉस्पिटल में बच्चों के इलाज से लेकर स्कूल में एडमिशन तक में इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपको अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है तो ये नए नियम जान लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट और आई स्कैन नहीं किया जाएगा, लेकिन जब वो 5 साल की उम्र से ज्यादा के हो जाएंगे तो बायोमेट्रिक अपडेट करना जरूरी होगा। किन किन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी? अगर आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है तो आपको आधार बनवाने के लिए बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बच्चे के माता पिता में से किसी एक के आधार कार्ड से काम हो जाएगा। अगर माता पिता के पास आधार कार्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदन रद्द किया जाता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी नहीं ली जाती है। ऐसे आवेदनकर्ताओं की सिर्फ फोटो ही काफी है। वहीं अगर बच्चे की उम्र 5 साल से अधिक हो जाती है तो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड अपडेट कराना होता है। इसमें बच्चों की 10 उंगलियों की फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन और फोटोग्राफ देनी जरूरी है। 15 साल बाद इसे फिर से एक बार अपडेट कराना होता है। अगर बच्चा 5 साल से अधिक का है तो इसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी, स्कूल का पहचान पत्र और ग्राम प्रधान का लेटर भी चाहिए। स्कूल का आईडी नहीं होने पर स्कूल के लेटर हेड पर लिखित रूप से घोषणा पत्र जमा करवाना होता है। आधार कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स जुटा लें। ऐसे बनवाएं आधार कार्ड। बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या फिर आधार सेवा केंद्र पर जाएं और एनरोलमेंट फॉर्म भरें। एनरोलमेंट फॉर्म में एड्रेस प्रूफ के लिए माता पिता का आधार नंबर और उस पर अंकित एड्रेस भरें। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करें। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ ये फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके बाद बच्चे की फोटो ली जाएगी। बच्चा अगर 5 साल से अधिक का है तो फॉर्म जमा करने के बाद बच्चे का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर बच्चा 5 साल से कम का है तो फोटोग्राफी काफी है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब एक एनरोलमेंट स्लिप जनरेट कर आपको दी जाएगी। इस पर एनरोलमेंट आईडी नंबर और तारीख दर्ज होगी। इस एनरोलमेंट आईडी की मदद से आप आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकेंगे। आधार एनरोलमेंट के 90 दिनों के अंदर आधार कार्ड आवेदनकर्ता के घर पर पोस्ट से भेजा जाता है। ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर एनरोलमेंट नंबर, डेट और टाइम एंटर करें। आवेदन करने के 25 से 30 दिन बाद आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।